तो यार देख सकते हो कितना धूल है यहाँ पे। आगे ये खतरनाक का भी बाप है, देखो पहले रोड का हाल देखो क्या हुआ है बेचारे के साथ। दिखा ये देख, दिखाना पे संजो, देखो इसका मुंह दाढ़ी देखो यार, इसका पेंट देखो, पेंट वगैरह देखो पूरा। क्या दिखा अभी है? भाई छो, मैं तो पूरा ढके था, मैं मुंह पूरा पैर दे। तो यार एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, 100 days of 100 ब्लॉग से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हो अपना जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसको ACC मत समझ लेना, ये है हमारा जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री। बहुत बड़ा है यार, देखो बहुत बड़ा है वो फैक्ट्री, यहाँ से तो उतना अच्छा दिख भी नहीं रहा है। और पास अपन गए नहीं क्योंकि अपन अभी आए थे आईवारा, तो आईवारा का अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि वो रोड जो था ना काफी ज्यादा खतरनाक और मतलब बहुत ज्यादा ना अजीब ही था। और अभी हम लोग जाएंगे और आपको पूरा सिटी वगैरह दिखाएंगे आईवारा का। अभी इस रोड से अपन वापिस इधर आए हैं ताकि यहाँ पर कोई फोटो वोटो खिंचा सके। देखो उधर पोज दे रहा है, वहां पर ट्रक वगैरह चलता है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन सही है बाकी तो। और वहां पड़ेगा आईवारा, हम लोग लेकिन इधर आए हैं फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए और ये फैक्ट्री देखना था इसलिए। और यहाँ से आप देख सीधा ही जाना, सीधा से तो आए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मोड़ लेना यहाँ से, वहां से अपन आए थे। और यहाँ से जाएंगे तो हम लोग को ACC बोल रहे हैं कि लक्ष्मी सीमेंट का फैक्ट्री पूरा दिखेगा। यहाँ से जाएंगे तो अपन दुर्ग और भिलाई पहुंच सकते हैं उसके मुताबिक, लेकिन अपन जो है जहाँ से आए हैं वहां से जाएंगे यहाँ से। देखो काफी ज्यादा सुंदर है नजारा, वाइड एंगल में आपको थोड़ा डिम दिख रहा होगा लेकिन चलेगा उसमें भी। आगे में सिटी है तो सिटी जैसे ही आता है मैं वीडियो चालू करता हूँ और ये पूरा होगा आईवारा सिटी का व्लॉग। आईवारा में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से आपको पूरा बाजार वाला लाइन दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ से शुरू हो गया बाजार लाइन। और ये आप देखते हुए चलना, ये ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा, जितना इसमें कैप्चर होगा उतना आपको दिखाएंगे और यहाँ से फिर फुर्सत में हम लोग घर चल जाएंगे। ये देखो यहाँ से पूरा चालू हो गया है और आगे तक अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक रोड, वहां जाएंगे तो सीधा रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, कम से कम 20 या फिर 30 किलोमीटर तक यहाँ से है, अपने घर से ही मान लो मतलब बराबर ही है वहां से और यहाँ का, फर्क उतना ही है, ज्यादा नहीं है। और देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे एक चौक आ गया है, वहां से भी रास्ता है यहाँ से भी, लेकिन अपन यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है थोड़ा पास पड़ेगा हम लोग के लिए, जहाँ से आए हैं वहीं से जाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा और हमको पता भी रहेगा कि कहाँ से आए हैं हम लोग और कैसे जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है बाजार वाला लाइन है, देखो पूरा यहाँ पर दुकान वगैरह आपको मिल जाएंगे, बाजू में देख सकते हो यहाँ भी आगे में भी, ये पूरा बहुत लंबा ये मार्केट वाला लाइन बहुत आगे तक है। अभी यहाँ पर जो है बस स्टैंड है, ये शायद तक यात्री परिस्थालय यहाँ से यहीं पर आ जाओ, अगर भिलाई से अगर आओगे कहीं से भी तो बस वगैरह जो है यहीं पर रुकेगा, लेकिन अगर आपको आगे भी रुकना है तो आगे भी एक स्टॉपेज है वहां पर भी आप रुक सकते हैं। चलो पूरा दिखाते हुए जाएंगे आपको भी, और आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जो है लाइक कर देना इस वाली। देखो यहाँ पर छोटा मोटा मार्केट भी लगा है, ढाबा वगैरह भी है, होटल वगैरह भी सब है यहाँ पर, अगर आप आते हो आईवारा में अगर स्टे करने के लिए तो यहाँ पर घूमने लायक भी बहुत चीजें हैं। बाजू में माल पटरी अभी जो चलता नहीं है, लेकिन पहले जब चलता होगा तो यहाँ पर फाटक था, तो अभी तक पटरी को उखाड़ा नहीं गया लगता है यहाँ से। तो एक और रोड है जो अगर अपन अभी सीधा जाएंगे मेन रोड में एक तो मिलेंगे ना, तो वही रोड वहां से आपको दिखेगा, देखो यहाँ से देख सकते हो उस रोड को, लेकिन हम लोग जो है सीधा से यहाँ चल जाएंगे। मांतना उत्सव समिति पर भी एक तो जो बाजार लाइन आ गया है, ये भी छोटा सा अपना स्टॉपेज है, यहाँ पर भी बस वगैरह रुकता है। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जी वगैरह भी अभी शाम को लगेगा लगता है, यहाँ पे सब रेडी हो रहा है, शाम को यहाँ पर अलग ही माहौल होगा मेरे हिसाब से तो। और इस तरफ भी देख सकते हो आप, काफी ज्यादा सुंदर है ये, अगर ये रोड अगर रोड से अगर मिट्टी वगैरह हटा दे, यहाँ से मुड़ना है हम लोग को, रोड से अगर यहाँ से यहाँ रोड से अगर मिट्टी वगैरह हटा दे तो ये काफी ज्यादा सुंदर बन जाता है ये आईवारा। और यहाँ पर भी जो है BSP का दबदबा है क्योंकि बहुत सारे जगह पे BSP लिखा हुआ है, तो यार मतलब देख रहे हो भिलाई स्टील प्लांट का पावर कहाँ कहाँ तक फैला है, ये तो उससे रेंज से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी गेस्ट हाउस जो है BSP का ही है मेरे ख्याल से। और क्वार्टर भी मैं BSP बोल रहा था, मैं सही हूँ मेरे जगह पे, बाकी सब गलत है। ये जो है हम लोग हो गया, अब आईवारा खत्म हो गया इस रोड के बाद से। और देखो यार धूल, अब जो है मेरे को इस इधर गाड़ी चलाना पड़ेगा, देखो सामने देखो पहले क्या है ये, चश्मा लगा रहे तू, बुला रहा हूँ तू क्या कर रहा है, तू मुंह बढ़ा देख को। तो यार सामने देखो यार कितना धूल है भाई, कितनी धूल करोगे यार, धूल धूल में मिल गए इंसान इधर यार, बहुत धूल है।
भाई तीनों की जो है हालत खराब हो गई, इतना धूल भाई फट गई है हमारी तो, यहाँ से घर कैसे जाए वो सोच रहे, घर किस मुंह कैसा मुंह ले जाए यहाँ से एकदम से भाई खतरनाक है ये, खतरनाक का भी बाप है देखो पहले यार घर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे घर वाले ही बोलेंगे कहाँ से आए, मेरे को देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो फोन चला रहा है, छोड़ो इसको, पूरा हालत खराब हो चुका है यहाँ पे, संजू बेचारा जो है गाड़ी चला रहा है इतना मेहनत में, तो इसके लिए एक लाइक कर देना ओ भाई चलो चलो धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल भाई, ओ मेरा हाथ पूरा जो है मट्टी मट्टी हो गया है, आप लोग को देखो यार कैसे चल रहे हैं, बेचारे का मुंह देखो एक बार, नहीं चल रहा, रोक रहा है, रोक मत भाई, इतने बीच में मैं बोला मैं चलाऊंगा भाई, नहीं यार ये क्या हो रहा है, सर मुंह ढाक के हम लोग ऐसे चल रहे हैं आगे, खराब है रोड, बात खत्म, यहाँ से नहीं आना कभी भी, इतना धूल चिपक रहा है ना यहाँ पे, सामने जो सामने का जो ट्रक जा रहा है ना उसकी गलती है पूरी, और ये कौन ट्रक आ रहा है, ओ भाई नहीं, ये थोड़ा कम था, ओ भाई लेकिन बहुत हालत खराब हो गई है यार रोड पे चल चल के, रोड का हाल देखो क्या हुआ है बेचारे के साथ, दिखा देखो सफेद हो गया, दिखा दिखाना पे संजो, देखो इसका मुंह दाढ़ी देखो यार, इसका पेंट देखो, पेंट वगैरह देखो पूरा क्या दिखा अभी है? भाई अच्छो मैं तो पूरा ढके था, मैं मुंह पूरा, पैर देखो इसके ही यार, ये रोड क्या ओ भाई साहब, ये व्लॉग व्लॉग बनाने सिटी का है थे, लेकिन हालत जो है हम तीनों का खराब अच्छा कम से कम मेरा गमछा देखो इतना बचा है धूल से भाई, संजू का लेकिन दाढ़ी वगैरह पूरा खराब हो गया है, वो मुंह पोछ रहा है, मुंह छुपा दे घूम रहा बेचारा और कभी जिंदगी में इस रोड से नहीं आऊंगा भाई, मैं गाड़ी में चला रहा हूँ, दे अबे गाड़ी का हाल देखो यार, धूल से गाड़ी का हाल देखो, इतना खतरनाक हाल किसी का ना हो तो यार यही था आज का ब्लॉग, और यार जो आप घर पड़ेंगे इस रोड से, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ धूल मिट्टी नहीं रहेगा, तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे दोस्तों के साथ, मैं हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक तब तक के लिए बाय शेयर।